तो ये है अपना मीरामार 2.0। तो देखेंगे भाई क्या क्या न्यू न्यू चीजें ऐड हुई है आज के इस वाले वीडियो के अंदर। सबसे पहला जो हम इसके अंदर अभी मोड खेलने वाले हैं वो है, अगर तुम थोड़े पुराने खिलाड़ी हो या ऑनलाइन गेमिंग है तो तुम्हें पता ऐसे लग जाना चाहिए, ये है CSGO का लेजेंडरी मैप। इसका नाम तो वैसे मेरे को खुद को नहीं पता है, पर मैंने ये मैप की इतनी क्लिपें देख रखी है, वो श्राउड सिंपल वगैरह लोगों की, और सिर्फ मैप ही नहीं है भाई, पूरा का पूरा मोड डाल कर रख दिया है। तो अभी बॉम्ब मेरे पे प्लांट हो चुका है और मुझे अभी सामने कोई नहीं दिख रहा शायद बॉम्ब। अबे वाह किया, नो फूट ये कैंपर, कोई बात नहीं, सात राउंड होता है भाई, पूरा बदला लेंगे अपन अपना। इस बार ये लोग ए पे आए नहीं तो मुझे पता लग गया बी पे ही भागने लगेंगे, और ये मिल गए बीच में। अब मैप के ऊपर अपने को एक और फीचर देखने को मिलता है नो फुट का, इसको दबा के अपना बंदा भाई कुछ ज्यादा ही धीमे चल ले रहा। ओ भाई थोड़ा तो तेज चल ले, वो दब गया था तो मैंने उसको दबने देने दिया, हाथ में तो बम नहीं बढ़ जाएगा, लेकिन अपने एनिमी के बिल्कुल मुंह पे फेंक के मारा बम, और एनिमी की मुझे ऑलरेडी फुट आ चुकी थी यहाँ से जाते हुए, तो धीमे चल के ना फुट देने का फ्यूचर काफी काम का है। और ये कि हमने बॉम्ब को डिफ्यूज, जीत की पुपड़ी बजा दी ली मैंने। अब ये लोग ए पे जीते थे बी पे हारे, तो अब मुझे पक्का यकीन था ये लोग ए पे ही आ रहे होंगे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से स्टन फेंक दिया इधर, जिससे ग्रेनेड समझ कर पीछे भी ना भागे और अंधे भी हो जाए, और वैसा ही हुआ, बच्चा जाल में फंस चुकी है, तो इजी पीसी गेम। मुझे तीसरे की भी फुट आ चुकी थी, और ये बच्चे तू भी गया, कहाँ चढ़ के छुप के बैठे ले साले, और गेम जीत भी गए हम लोग इतनी जल्दी। अब हम बनेंगे बम वाले और अपने कंधों पे जिम्मेदारी सौंपी है गेम ने, अपन बी पे जाएंगे मिड से ताकि बीच में जो है इसको पीछे से ही मार दे, लेकिन इसको सात फुट आ गई अपनी। अब इनके मोस्टली बंदे ए पे बैठे थे, तो अपने यहाँ बी पे बनाम पता नहीं क्या बोल रहा, बॉम्ब लैंड कर दिया मैंने, इसका एनिमेशन भी तुम देख सकते हो। अब यहाँ पे वो ए से आने वाले थे तो अपने ने देखो भाई क्या जाल बिछाया, एक को ऐसे ही मार दिया और दूसरे को शॉटगन से रच करके, क्या जिता दे भाई ये लोगों को गेम में। और ये भी एक मेन लोकेशन है जहाँ से एनिमी इसको मारा जाता है, अभी मेरे पास बॉम्ब नहीं था तो मैं ए के बंदे को पीछे से मारने जा रहा था, इसको इजीली लपेट भी दिया और मुझे लगा पूरा क्लियर होगा भी, लेकिन भाई एनिमी मिड पे आ चुके थे पता नहीं कैसे, कवर के पीछे पड़ जाए गोलियां। अब ये अकेला ही मेरे को दिखा था, लेकिन भाई ये एक के दो कैसे हो गए, और मेरे हिसाब से पिंग ने हक दिया, मेरा बंदा मुक्के मार देना उसके मुंह के सामने, गेम तो इंटेंस हो गई भाई, मामला पानी ज्यादा गर्म नहीं, उससे पहले हम लोग ये पे जा दे ले, अंधे हो गए लेकिन कोई ना अपने नहीं बंदा मारा, फिर अपने थोड़ा फूक फूक के कदम आगे बढ़ाए, उसके बाद जब मैं यहाँ पे था मन ही मन में सोच रहा था ओ ये मस्त जगह है, ओ बंदा है भाई मरवा दिया था इसने, मतलब डब्बों के ऊपर बैठने का सोच रहा था सांप डस लेता मेरे को, जहाँ से अपनी पहली मौत हुई उधर ही अपन खुद बैठ गया आगे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था ग्रेनेड मेरे बाजू में कैसे गिरा है, उससे बच दे गए और भाई मुंह के सामने से एनिमी निकला, क्या हगा है मैंने गेम प्ले, लेकिन अपना एक और एनिमी मरा, गेम ज्यादा इंटेंस हो चुका है, वन वर्सेस वन था, इधर भी बम फटा जिससे जो गेम है वो हम लोग ने जीता, लेट्स गो एमवीपी विद हाई किल। अब चलते हैं अपने नए मीरामार पे, और ये इसका ट्रेलर है जो की मुझे लगा तुम्हें दिखा देता हूँ मैं, तो यहाँ पे लंबी चौड़ी फाइटें चल रही थी और इसने ग्रेनेड खोला, ट्रांजेक्शन टिकटॉक वाला भाई सोड़ा खुल गई, और ये बंदा लटक के भाई गन निकाल के मारते हुए जा रहा, याद रखिए सब चीजें, उसके बाद गाड़ी क्या बूस्ट मार के निकली, उसकी सोडा खत्म, और घर के सामने मेहमान, वो भी बिन बुलाए मेहमान, भाई ये क्या जंप लग रहा भाई गाड़ियों का, ये पता नहीं कहाँ का इंस्पिरेशन ले लिया लोगों ने, इतनी अंबक चीज बता दे, वो ना ही सब दो अलग अलग सीन आ चुके, और ये जो न्यू वाली गन मिसाइल अपने पिछले वाले वीडियो में चलाई थी उसका यूज करके खत्म, किधर ये घर जा रहे लोग। तो चलो भाई उसको खेल के देखते हैं, लोडिंग स्क्रीन पर अच्छा लग रहा है, उसके बाद मेरे पे ये शक्तियाँ थी जिससे मैं ये बॉल बना सकता हूँ, तो ये दो नंबर को मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा, ये देखो चूजा बन चुका। अब भाई यहाँ पे ना मैप के नाम भी चाइनीज में लिखे लेते, कितनी देर तक तो मेरे को हसी अंडा ढूंढना पड़ा, उसके बाद में वहाँ पे गया, और ये तुम देख सकते हो पानी की नदियाँ, वैसा नदी तो नहीं खड्डे वुड्डे बोलते उसको पानी के भरे हुए, यहीं पे लोग एक मिनट के अंदर सबसे ज्यादा किल करने के रिकॉर्ड बना देते हैं, मैं भी बना देता लेकिन साला कोई कूदा ही नहीं, टीममेट के मुंह पे तोहफा फेंक के अपन मैप एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं, काफी हरा भरा लग रहा है ना, जो रेगिस्तान वाली वाइब थी वो थोड़ी निकाल के रख दी इसमें से, देख सकते हैं कुछ घर है और नदियाँ, नदी नहीं है वो, ये क्या है नाले भी नहीं बोल सकता भाई, जो भी है वो है, मैं नींद में सोड़ के वीडियो बना दे रहा हूँ सुबह सुबह, इसलिए मेरी वो वाली आवाज भी नहीं निकल ली पता नहीं क्यों, काफी पानी वो नहीं भर के रख दिया, और ये मिट्टी का पानी है तो इतना सफेद कैसे है, सफेद नहीं मतलब ब्लू कैसे है, अपने इधर का तो भाई पूरा काला मूला हो जाए, बट काफी बढ़िया लगी है जगह, इधर से निकल के आप अपना नेक्स्ट वाली लोकेशन पे जा दे, जो कि ये वाली जगह, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि मैंने दबा डाला, और वो टेलर वाले की तरह अपना बंदा लोखे की तरह क्या जा रहा, साले गन वन निकाल कुछ तो कर, तो अपन बस ट्रैवल कर सकते हैं इस तरह। बस सोचो इमेजिन करो कोई बंदा यहाँ पे गन लेके बैठा हो तुम्हारे आने का वेट कर देना, उसके बाद तो तुम्हें पता है यहाँ पे बीच में से ही कूदने का एक ऑप्शन था, उसको बिना ट्राई किया अपना तो भाई दिन नहीं कटे, इसलिए बस छोड़ दिया मैंने, पैराशूट का एक ऑप्शन था जिसको मैंने बहुत लेट दबाया, मतलब मेरे को ना ऐसे घिर के चेक करना तो होता क्या है, वैसे इस गेम में ना ऑटो ड्राइविंग का ऑप्शन है, तो मैं चेक कर देना था कि आमने सामने वाले ऑब्स्टिकल को ये खुद ही ऑटोमेटिक
टर्न लेती नहीं ली भाई टर्न वन कुछ हेल्थ की माफन हो गई मेरी। मुझे मन हुआ भाई देखने का इसके शीशे वगैरह फूटे या नहीं। भाई गाड़ी का धुआं निकला है काला वाला, हो सकता है टेस्टिंग के लिए मैंने कुछ ज्यादा गोलियां चला दियो। फिर बड़े अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। इधर से आते हुए मुझे ये कुछ यूनिक सी चीज दिखी अलग, तो मैं इसको टेस्ट करने के लिए आया। यो या साला क्या टेस्ट करूं मैं, इधर से झूला झूलू। ओ वैसे न्यू मशीन दिख गई मेरे को इधर, तो देख रहा था भाई क्या निकलता है इसमें से। हाँ थोड़ी बहुत अच्छी कच्ची लूट निकली, पर वो झूले ने अपने को मिला दिया अपनी नई गाड़ी से। मैं तो फुल खुश हो गया। तो पहले इसको बाहर से पूरा निहाल लेता अच्छे से, और फिर हम इसमें बैठे। अब इसमें एक न्यू ऑप्शन ऐड था जो कि एक कांच को ऊपर नीचे करने का। फिर मैंने सोचा क्या ये फूटे वगैरह भी होंगे। क्रैक का एनिमेशन आ चुका है और ये नई डिटेल ऐड करी है इन लोगों ने गेम में। अब कांच को ऊपर लेने का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि वो फूट चुका है। भाई मैं इतना एक्साइटेड था इसको चलाने के लिए, और मैं सोच रहा भाई इसके टायर जैक तुम देख सकते हो कितने बड़े बड़े हैं। तो पहाड़ वगैरह पत्थर वत्थर सब पे इजीली चढ़ जाएगी ऊपर, तो ऐसा सोच रहा था, लेकिन साला तो पानी में फंस गई। मेरी उम्मीदों पे इसने सोडा गिरा दी, वो भी सादी सोडा। क्या था भाई इतनी भारी भरकम गाड़ी लेकर कोई पानी में फंसता है। तो हार मान के मैंने भी एग्जिट कर दिया। नेक्स्ट गेम में वापस वहीं पे गया भाई, वो गाड़ी गया तो ऐसे दिखने वाली दूसरी लोकेशन पे मैं गया। सामने पैकाड़ो तुम देख सकते हो जिसको मैंने इग्नोर मार दिया, गाड़ी की जगह घोड़ा मिल गया। और हाँ भाई काफी लंबी जंप मारी इसने। ऐसे एक और लोकेशन पे आया यहाँ पे भी वो गाड़ी के कोई ठिकाने नहीं थे। मैप खोल के ऐसी पानी से भरी मैं दूसरी जगह ढूंढ रहा था, लेकिन जैसे ही मैप बंद करा भाई वो गाड़ी अपने मुंह के सामने। ओ भाई देखो नंगा पुंगा बिना घन के बस इसको ही ढूंढ रहा था मैं। चलो अब चला के देखते हैं। सबसे पहले इसको अपना पत्थर देखो निकल गया पत्थर पैसे इजीली। मुझे लगा मॉन्स्टर ट्रक की तरह या पत्थर चढ़ यहाँ से, इतना भी नहीं जाएगा, थोड़े टायर घसाने पड़ेंगे इसके। फिर हमने देखी इसकी मैक्स स्पीड, उससे पहले भाई थोड़ा गन वन लूट लेते हैं। ये नंगे पुंगों की तरह भागेंगे बॉल्ट उड़ा के मार के चला जाएगा। नहीं मेन चीज पता मैंने गन किस लिए उठाया, मुझे देखना था अगर हम अपनी विंडो बंद रखते हैं तो हम क्या गन निकाल पाएंगे, इसका ऑप्शन था ना। नहीं होएगा भाई, मतलब कहां से गन निकालेगा तू, कांच बंद है। विंडो खोलते ही अपनी गन निकल गई, गन क्या अपने पूरे बाहर आ गए। तो मारने के टाइम पे विंडो नीचे और मारने के बाद विंडो ऊपर। तो बताना भाई कैसे लगी तुम्हें नई गाड़ी। जब इससे जाके मैंने एक बोट को कुचलाना स्वाद आ गया, मतलब फिनिश भी कर दे इजीली। एक और गाड़ी मिल गई और फ्यूल काफी जल्दी खत्म हुआ मुझे लगता है। चेक कर रहा था बाकी तुम्हें क्या नया दिखा सकता हूँ मीजा मार में, और ये मेरे को लगता है बस डेमो के लिए रख दिया, इसमें कुछ होता नहीं है। वो सैसी वो अपनी एमजी वाली कार थी उसको फ्यूल करने के लिए हो सकता है शायद। और तुम लोग के लिए चाइनीज वीडियोस तक देखे मैंने कंफर्म करने के लिए, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। काफी मेन चीज मिस कर दी मैंने, ये हुक। अब ये लोग के भाई मशीन में ही दे देना चाहिए था। मैं गेम प्ले के टाइम पे ये लूटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करता हूँ घरों के अंदर, जिससे इतनी बढ़िया चीज अटैक ऑन टाइटन वाली अपने मिस कर दी। पर तुम देख सकते हो नॉर्मल जैसा हुक होता वैसा ही है, तो चलाने में मजा आता लेकिन इतना कुछ न्यू नहीं है। बाकी ये मिला मैंने तो सोचा इसको नहीं चला सकता, उसे चला के कौन ही चलाएगा इसको, कचुए से धीमी स्पीड है उसकी। और भाई ने तो बीच रास्ते पे धोखा दे दिया, फ्यूल ही खत्म होता था दूसरी गाड़ी मिल गई। रास्ते में देखो कौन मिला अपने धोखे के सगे वाले, चलो किसकी गाड़ी चुरा के भागो, क्या एनिमेशन था। बाकी फिर ये लोग अपनी गाड़ी को मार देते थे, मैंने इनकी गाड़ी ठोकी, इनका एक बंदा उतर गया, मैं इनकी गाड़ी लेकर भाग गया। बताओ इससे बढ़िया हो सकता है कोई बदला। और ये वाला पीस तो भाई पूरा मिजाड़ो में एक है सीरीज। बाकी इन लोगों के साथ भाई बहुत टाइम वेस्ट हुआ, फिर आगे तो मैं कुछ नहीं, इसको बहुत बैठने का शौक था मेरे साथ, तो भाई के बाहर छोड़ के आ गया इसको कि किधर जा रहा बैठ, अब बैठ साले। एंड लास्ट में हमने कुछ फन वाले मोड्स भी खेले, मुझे नहीं पता ये होता क्या है। और अपन एक निंजा जो कि इनविजिबल है, अब मुझे लगा एनिमी को तो भाई अपन बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, तो बस मैं चुपचाप खड़ा हूं ऐसे ही। अबे भाई मार डाला सालों ने, दिख रहा ना क्या मैं, अभी मैं इधर खड़ा हूं, ये बंदा सामने से आ रहा है, इससे मुझे नहीं देखा, मुझे बिल्कुल ऐसा। अबे कैसे भाई, गलती से एफपीपी हो गया था, ये अपना पहला किल। हम लोग हंटर बनेंगे और मेरे को खुद की आंखों से देखना है निंजा कितने विजिबल होते हैं। पहले तो मैं इधर से आ रहा था, ये फोटो ही मेरे को एनिमी लगा, और ये देखो भाई कितना इनविजिबल है भाई, पूरा का पूरा दिख रहा है, और मेरी गोली उसके पहन पे लग गई। बिल्कुल भी इनविजिबल नहीं है, मेरे को सब दिख रहा है खुल्लम खाले, क्योंकि जब मैं निंजा था तब मुझे लग रहा था भाई मुझे कोई देख तक नहीं सकता है। जो नेक्स्ट वाला मोड है उसके अंदर ये वाली चीज बस 100 पीस के लिए रखी हुई है, इसमें अपना असल मकसद इनको मारना, स्टैचूस को फोड़ फोड़ के आगे बढ़ना। अब यहाँ पे कुछ बहुत ही अलग होने वाला है जो गेम में होना नहीं चाहिए, हम दोनों टकरा के गिर गए। तो भाई क्रॉसबो निकाल जल्दी, और इसको मारा मैंने, अब मैं भाई फुल आजाद हूँ इनको मारने के लिए, और ये देखो कितने इजी किल निकलेंगे। और मेरे पीछे एक स्टैचू था जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता डैमेज देता है। बाद में गेम काफी बोरिंग बन चुकी थी, तो हमने फटाफट गेम को फिर जीता। बस आज के वाले वीडियो के लिए इतना ही था, उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा, तो इसको अपने दोस्तों का शेयर करना मत भूलना। मैं मिला तुम अपनी अगली वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।